एनसीपी ने इस बात का खंडन किया है कि कांग्रेस ने एनसीपी के सामने विलय की शर्तें रखी थी, लेकिन शरद पवार ने यह भी माना है कि कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र चुनाव की अगुवाई करने का ऑफर दिया था। अब ये कहना मुश्किल है कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच क्या ये कोई नया सियासी खेल चल रहा है। क्या एनसीपी का कांग्रेस में विलय होगा? क्या 15 साल बाद एक बार फिर शरद पवार कांग्रेस का दामन थामेंगे? क्या शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में शामिल होंगे? पिछले कई दिनों से इन सवालों के बादल देश के सियासी आसमान में उमड़ घुमड़ रहे थे, लेकिन फिलहाल इन अटकलों पर एनसीपी ने फुल स्टॉप लगा दिया है। एनसीपी ने साफ किया है कि कांग्रेस ने ना तो पार्टी के विलय का कोई प्रस्ताव रखा है और ना ही विलय का सवाल उठता है। साथ ही शरद पवार ने भी साफ किया है कि वो ना तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है और ना ही राज्य की सियासत में लौटना चाहते हैं। दरअसल 3 दिन पहले कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता एके एंटनी और अहमद पटेल एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पहुंचे थे। तीनों की मुलाकात के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म था। अटकलें ये कि जब महाराष्ट्र सीएम बदलने की बात पर पवार ने शिंदे का नाम सुझाया तो कांग्रेस ने पवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अगुवाई का ऑफर दे दिया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस ऑफर के साथ कांग्रेस ने शर्त भी रखी कि पवार अपनी पार्टी का विलय कर दे। अब भले ही एनसीपी विलय की शर्तों का खंडन कर रही है, लेकिन शरद पवार ये मान चुके हैं कि कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र चुनाव में अगुवाई का ऑफर दिया था। शरद पवार ये बात खुद मान चुके हैं कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की कैंपेन की अगुवाई करने की ऑफर आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये निकालना गलत है कि कांग्रेस के साथ विलय को लेकर कोई बातचीत हुई है। दूसरी तरफ एनसीपी ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ विलय का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये जरूर उठता है कि आखिरकार कांग्रेस के खेमे से ये बातें क्यों निकल रही है और दिग्विजय सिंह जैसे नेता चुनाव के पहले से ही एनसीपी को विलय का ऑफर क्यों दे रहे थे। आखिरकार विदेशी मूल के मुद्दे पर अलग हुई एनसीपी पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र में उनके साथ ही सरकार चला रही है और चुनाव आने तक उन्हें इस तरीके के कई सवालों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर पार्टी छोड़ने वाले शरद पवार को कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव की अगुवाई का ऑफर दे रही है। पूरी कवायद महाराष्ट्र का किला बचाने की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 और एनसीपी को मिली 4 सीटों ने दोनों पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस चेहरे तलाश रही है। विलासराव देशमुख के निधन के बाद कांग्रेस के पास कोई बड़ा मराठा नेता नहीं है। दूसरी ओर एनसीपी की भी अपनी मजबूरियां हैं। पिछले 15 सालों से सूबे में लगातार मुख्यमंत्री पद कांग्रेस के पास है, लिहाजा इस बार एनसीपी ज्यादा सीटों के लिए कांग्रेस पर दबाव बना रही है। पूरे हालात को देखते हुए कांग्रेस ने चाल चली और शरद पवार को चुनाव में अगुवाई का ऑफर दे दिया। अगर पवार तैयार होते हैं तो कद्दावर मराठा चेहरा मिलेगा और सत्ता में लौटने की संभावना भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि पवार कांग्रेस का ऑफर मानते हैं या फिर महाराष्ट्र की पूरी सियासत अजीत पवार और सुप्रिया सुले के झगड़े में उलझ कर रह जाएगी। मुंबई से साहिल जोशी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक।